ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त संख्या 41। ऋषि कण्व घोर देवता वरुण मित्र अर्यमण छंद गायत्री स्वर षडज मंत्र संख्या 1। ओम यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा नु चित्स दभ्यते जनः हम निर्द्वेष स्नेह युक्त दान देने वाले बनकर अपना रक्षण करें आदि व्याधियों का शिकार होने से बचें। मंत्र संख्या 2। यम बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्यरिषः अरिष्टः सर्व एधते। वरुण मित्र और अर्यमा हमारे रक्षक और पूरक हों, ऐसा होने पर हम पूर्ण विकास को प्राप्त होंगे। यम वो है जो अपने क्रोध को वश में रखता है, इंद्र वो है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वरुण वो है जो धर्माचरण से अपने को बद्ध करता है, और मित्र वो है जो सारे संसार का मित्र होता है। मंत्र संख्या 3। विदुर्गा विद्विषः पुरोघ नन्ति राजान येषां नयन्ति दुरितातिरः। वरुण मित्र और अर्यमा हमारे दुर्ग और द्वेषियों और दुरितों को दूर करते हैं। मित्र वरुण और अर्यमा स्वयं ही हमको बनना पड़ता है। मंत्र संख्या 4। सुगह पंथ अनरक्षर आदित्यासरितं यते नात्राव खारो अस्ति वह। आदित्यों का मार्ग रित का मार्ग होता है। यह मार्ग सत्य और सरल और निष्कंटक है। इस मार्ग पर चलने वाले राजस और तामस भोजन से सदा दूर रहते हैं। मंत्र संख्या 5। यम यज्ञम नयथा नर आदित्य ऋजुनापथा प्रवह सधीतये नशत। हम औरों का जो उपकार करते हैं उससे हमारा ही उपकार होता है। मंत्र संख्या 6। सरत्नम मर्तयो वसु विश्वम तोकमुत त्वमना अच्छा गच्छत्य इस्त्रतः। यज्ञशीलता से रत्न वसु और आत्मश्रदश संतान मिलती हैं। यह यज्ञशील हिंसा से रहित तो होता है। मंत्र संख्या 7। कथा राधाम सखायः स्तोमम मित्रस्य अर्यमणः महिपिसरो वरुणस्य। हम मित्र बने, वरुण बने, अर्यमा बने। मित्र वरुण अर्यमा बनकर जीवन को हम सचमुच महान बनाते हैं और देवता बनते हैं तथा परमेश्वर की स्तुति में लगे रहते हैं। मंत्र संख्या 8। मावोघ नन्तम मा शपन्तम प्रतिवोचे देवयन्तम सुमनैरिद्व आविवासे। हमारा उठना बैठना हिंसकों और अपशब्द बोलने वालों के साथ ना हो। हम स्नेह निर्द्वेषता दान और संयम का ही स्तवन करें। इन्हीं भावनाओं को हृदय के मंदिर में स्थापित करें। मंत्र संख्या 9। चतुरश्चिद दमाना द्वि भियादा निधातोह न दुरुक्ताय इस प्रहयेत। जैसे जुआरी से डर लगता है उसी प्रकार तुमको बुराइयों से दुर्वचनों से डरना चाहिए। ओम शांति 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 ही। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 41वां सूक्त समाप्त हुआ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।